हाय एवरीवन, मेरा नाम नवनीत मान है और मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 33 सिक्योर करी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जनरल स्टडीज़ की मेंस प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अपनी। मेरा होम टाउन अमृतसर है पंजाब में एंड प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रिसाइड करती हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंसेज कंप्लीट करी थी फ्रॉम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन 2017। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेरा चाइल्डहुड प्लान नहीं था एंड इट वाज इन थर्ड ईयर मैंने जब इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना शुरू किया एंड बाय द एंड ऑफ कॉलेज मैं इस एग्ज़ाम के बारे के लिए ही एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर कर रही थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था जिसमें आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 501 एंड उससे आई वाज एलोकेटेड इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। एंड उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी एंड ट्रेनिंग अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड साइमल्टेनियसली मैंने अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया इन 2019 जिसमें आज रैंक 33 सिक्योर करी है मैंने। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। अब मैं अपनी GS मेंस की प्रेपरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। बिफ़ोर स्टार्टिंग मैं आपके साथ ब्रीफली सोर्सेज भी डिस्कस करूँगी। सोर्सेज स्पेसिफिकली बताने से पहले मैं एक चीज़ भी क्लैरिफाई करूँगी। फर्स्टली दैट कि मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल सोर्सेज नहीं मल्टीपल रिविजन्स होना चाहिए, क्योंकि मेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें अपनी 2 or 3 पेजेस बहुत अच्छा कंटेंट फिल करें। वो इन टाइमली फैशन तभी आप फुलफ़िल कर पाएंगे जब आपके जो भी आपके सोर्सेज होंगे किसी भी गिवन सब्जेक्ट के आपके पास मल्टीपल रिविजन्स होंगी, तभी आप उस आंसर को एक अच्छे इंटीग्रेटेड मैनर में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, वो भी एक टाइम कंस्ट्रेंट के साथ। सो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी सब्जेक्ट के आप सोर्सेज सिर्फ लिमिटेड ही रखिए। अब स्टार्टिंग विद द सोर्सेज, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेंस में जो प्रिलिम्स में फीचर नहीं करते हैं और एडिशनली उनकी कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस लाइक सिक्योरिटी इश्यूज या सोसाइटी या गवर्नेंस, सो इन सब सब्जेक्ट्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि हमारा जो UPSC का सिलेबस है वो बेस्ट मार्कर और इंडिकेटर है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स मेंशनड हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि UPSC इज़ अ वेरी वेरी बिग सिलेबस टू टैकल और इसमें अगर आपको अपना अपना स्टडी प्लान टारगेटेड रखना है तो उसके लिए आपको सिलेबस को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग GS वाइज स्पेसिफिक सिलेबस, GS 1 में वी हैव थ्री सब्जेक्ट्स मेनली, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री के प्राइमरीली 4 पार्ट्स हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इज़ पोस्ट 1947 एंड आर्ट एंड कल्चर। अब हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन हिस्ट्री की सबसे बड़ा इशू है प्रेपरेशन में कि इसकी बुक्स सबसे ज़्यादा हैं। सो पर यूनिट ऑफ जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो कम होगा हिस्ट्री में। सो आपको सोर्सेज डेफिनेटली हिस्ट्री में लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि वंस यू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी को निगलेक्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग विद हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया बुक को रेफ़र किया था, उससे मैंने मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाए थे स्पेशली फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। देन उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आई थिंक स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन थर्डली वी हैव मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री एक्सक्लूसिवली मेंस में फ़ीचर होता है एंड आई वुड सजेस्ट दैट इसके लिए कोई भी बल्की बुक लाइक नॉर्मन लॉ उठाने की आई डोंट थिंक देर इज़ एनी नीड, क्योंकि एज वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम 2013 to 2019 हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस कम, एंड ऐसा भी होता है कई सालों में कि क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक लीन सा कंसाइज मटीरियल ही वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए यूज़ करिए। आइदर यू कैन गो विद विजन आईएएस का मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की PDF और देयर इज़ दिस बुक बाय अर्जुन देव, इट्स एन ओल्ड आई थिंक क्लास 10th NCERT पब्लिश बाय ओरियन ब्लैक स्वान। आप उनमें से इन दोनों में से कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हैं।
देन इसके बाद वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के बाद की हिस्ट्री. अब इसमें इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है. येस देर आर बुक्स लाइक इंडिया आफ्टर गांधी एंड बिपिन चंद्रा की पोस्ट 1947 की बुक, बट दे आर एक्सट्रीमली बल्की एंड आई डोंट थिंक उसकी कोई ज़रूरत है स्पेशली फॉर इतने छोटे से पोर्शन के लिए. सो इसके लिए आप सिलेबस को उठाइए और उसके हिसाब से वन पेज का मटेरियल इंटरनेट से आप इकट्ठा कीजिए. एंड इस पोर्शन का बेनिफिट ये है कि इसके बहुत सारे जो पोर्शंस हैं वो और सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप होते हैं. फॉर इंस्टेंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर प्राइम मिनिस्टर नेहरू, ये कवर हमारे IR में होगा. लैंड रिफॉर्म्स, LPG रिफॉर्म्स, 5-year प्लानिंग, ये भी इकोनॉमिक्स में कवर हो जाता है. नाउ आफ्टर कवरिंग हिस्ट्री नेक्स्ट पोर्शन आता है GS1 में हमारा ज्योग्राफी. नाउ ज्योग्राफी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस कवर होते हैं इसके. ज्योग्राफी के दो पार्ट्स हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. फिज़िकल ज्योग्राफी में NCERTs आई थिंक आर सफिशेंट एंड आर द बेस्ट सोर्स. इसी से ही आप सारा मटीरियल बनाएंगे. GC Leong अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है, लेकिन जो आपका सारा मटेरियल या कंटेंट है वो NCERTs 11th एंड 12th से ही आएगा. नाउ मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आई थिंक एक बहुत ट्रिकी पार्ट भी है एज़ वेल. इसके लिए NCERTs आर दी बेस्ट सोर्स, लेकिन इसमें इशू ये है कि हमारे पास कभी भी कोई कॉन्क्रीट मटीरियल नहीं होता एज़ द क्वेश्चंस बिकम वेरी अनप्रडिक्टेबल ओवर द ईयर्स. मैंने बहुत सारे आई थिंक कोचिंग मटीरियल्स भी चेक किए फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन मुझे कभी भी कोई कॉन्क्रीट सोर्स नहीं मिला. तो आई वुड सजेस्ट कैंडिडेट्स कि आप NCERTs पे को ही स्टिक करिए और जो आप कोई टेस्ट सीरीज लिखते हैं उनके मॉडल आंसर्स भी आप रिवाइज कर सकते हैं. एंड GS1 का लास्ट पार्ट आता है सोसाइटी. सोसाइटी में आप अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th एंड 12th की सोसाइटी या सोशियोलॉजी की बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर प्रिपेयरिंग आंसर्स आई वुड सजेस्ट आप करंट अफेयर्स में मेंस 365 कीजिए. एंड आप एज ए सजेस्टेड अगेन कि जो की वर्ड वाइज आप 1-1 पेजेस की प्रिपेयर कीजिए, जैसे सेक्युलरिज्म पे 1 पेज, कम्युनलिज्म पे 1 पेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब आफ्टर फिनिशिंग GS1 जो सेकेंड पेपर होता है GS का, वो होता है वो इंक्लूड करता है पॉलिटी, IR एंड गवर्नेंस. अब इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ सीरियस अबाउट क्लियरिंग मेंस, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. बिकॉज आउट ऑफ 20-odd क्वेश्चंस इन GS2 पॉलिटी के हमारे पास 10 क्वेश्चंस आते हैं. इसमें रिसोर्सेज मैंने अपने लिमिटेड रखे. फर्स्टली आई रेफर टू लक्ष्मीकांत, देन सेकेंडली आई रेफर टू विजन IAS की मेन 365 एंड आई थिंक दैट्स ऑल. सिंस मेरा पॉल साइंस ऑप्शनल था, थोड़ी सी आई थिंक उसमें भी हेल्प हो जाती थी, बट आई थिंक लक्ष्मीकांत एंड करंट अफेयर्स की आपकी जो भी बुकलेट है दे आर वेल एंड वेल मोर देन सफिशेंट. लेकिन पॉलिटी में मैं ये रिकमेंडेशन दूंगी कि टू ऐड वैल्यूज मच वैल्यू एंड मटीरियल टू योर आंसर, आपको आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करने चाहिए अपने इंट्रो में. फॉर इंस्टेंस अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी का कोई आंसर लिख रहे हैं तो आपको आर्टिकल 51A डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए. साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी ऐड करनी चाहिए जो भी आपके आंसर को ज़्यादा हेफ्ट देंगी. आफ्टर पॉलिटी नेक्स्ट पोर्शन इज़ हमारा IR या इंटरनेशनल रिलेशंस. इसकी मैंने कोई स्पेसिफिकली प्रेपरेशन नहीं करी थी क्योंकि PSIR वॉज माई ऑप्शनल. लेकिन आई थिंक फॉर अदर कैंडिडेट्स विजन IAS की मेन 365 इज़ गुड इनफ क्योंकि इट्स मोर एसोसिएटेड विद करंट अफेयर्स. नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन है GS2 में, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट्स ऑफ आर एंटायर GS प्रेप, एंड ये है गवर्नेंस. नाउ गवर्नेंस अगर आप टोटैलिटी में देखें, ये एक बहुत ब्रॉड एंडेड सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं. सो इसकी प्रेपरेशन के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट आप सिलेबस को ही स्टिक कीजिए. गवर्नेंस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं सिलेबस में मैंशनड, जैसे है एजुकेशन, हेल्थ, सिटीजन चार्टर, या आप ले लीजिए ट्रांसपेरेंसी, या NGOs एंड SHGs. तो इनका बेस्ट वे है कि आप अगेन इंटरनेट पे गूगल पे टाइप कीजिए NGOs, UPSC, एंड आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जैसे इनसाइट्स IAS या IAS बाबा या सिविल्स डेली.
जिस पे आपको बहुत अच्छा मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, एंड साथ में आप अपनी कोचिंग के मॉडल आंसर्स भी कीजिए। नाउ आई फिनिश GS2 के सोर्सेज, नेक्स्ट कमिंग टू GS3। GS3 के देर आर 5 पार्ट्स। फर्स्टली इकोनॉमिक्स प्लस एग्रीकल्चर, सेकेंडली सिक्योरिटी इश्यूज, देन साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, जस्ट लाइक आई सेड कि पॉलिटी एक वो पार्ट है जिसे आप डेफिनेटली कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर भी एक वैसा ही पार्ट है। इसमें मेंस में वी डोंट हैव मच इकोनॉमिक थ्योरी, इंस्टेड ज़्यादा फोकस इंडियन इकोनॉमी पे है। एंड अगर आप सिलेबस देखेंगे, टॉपिक्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी है, रेल्स, रोड्स, या एग्रीकल्चर के बहुत सारे कीवर्ड्स मेंशन हैं, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो फिर आप सिलेबस वाइज ही अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। इन एडिशन, बेस्ट सोर्स आई वुड से करंट अफेयर्स में विजन मेन 365, एंड अलॉन्ग विद दैट आप एक बजट के समरी एंड इकोनॉमिक सर्वे को डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऐसी रिकमेंडेशंस आएंगी जो आप अपने आंसर्स में फीड कर सकते हैं। आफ्टर इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट वी हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने फोरम IAS की 30-40 पेजेस लॉन्ग एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बुकलेट होती है, वो कवर करी थी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एसोसिएटेड विद द डिज़ास्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि अर्थक्वेक्स पे क्वेश्चन आया, या फ्लड कंट्रोल पे, या साइक्लोन्स पे। तो फिर या तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं, या सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इंडियाज एफर्ट्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें आप NDMA या NDMA जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या प्लान है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट भी एक सिग्निफिकेंट चंक है GS3 में, एंड इसके लिए बिसाइड्स योर करंट अफेयर सोर्स विच फॉर मी वाज विजन के मेन 365, मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने प्रिलिम्स के एनवायरनमेंट के नोट्स भी एक बारी ब्रश अप करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभार कि आप कोई प्रिलिम्स बेस्ड क्वेश्चन ही थ्योरी वाला आपके मेंस में आ जाए। फॉर इंस्टेंस 2019 में हमारा क्वेश्चन आया था ऑन कैरिंग कैपेसिटी, या GS1 में ही ऑन मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। सो प्रिलिम्स का मटेरियल वी टेंड टू इग्नोर इन मेंस, तो आई थिंक अगर आप उसकी क्विक रिविजन देंगे तो इट विल प्रॉब्ली गिव यू एन एच। एंड साइंस एंड टेक के लिए आई डेंट रेफर टू एनी बुक, जस्ट मेंट विद करंट अफेयर्स प्रेप। एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए अगेन मैंने कीवर्ड से अराउंड देर आर 4-5 टॉपिक्स इन सिक्योरिटी इश्यूज़ लाइक साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड बॉर्डर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, उसकी मैंने एक एक कीवर्ड से 1 or 2 पेजेस के नोट्स बनाए थे अलॉन्ग विद रेफर टू करंट अफेयर्स विजन मेन 365। जो लास्ट पेपर होता है हमारे GS में, दैट इज़ ऑफ एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पेपर्स द GS, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यूज़ हैं लोगों के। सम सजेस्ट कि प्रॉबेबली वी डोंट इवन नीड टू स्टडी बिकॉज इट इज़ एज सिंपल एज एथिक्स, मतलब यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। बट द सेम टाइम ये वाला पेपर काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होता है बिकॉज यू नेवर नो आपके कितने मार्क्स आएंगे। सो आई वुड सजेस्ट दैट गिवन दैट UPSC बहुत अनप्रडिक्टेबल एग्ज़ाम है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर प्रिपेयरिंग एथिक्स बिफोर हैंड, बिकॉज आई थिंक एग्ज़ाम कंडीशंस इतनी प्रेशराइजिंग होती है, यू प्रॉब्ली कांट इवन रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रिटी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एथिक्स के अपने पर्सनलाइज नोट्स बनाइए। इसके लिए यू कैन रेफर टू दी लेक्सिकॉन बुक, एंड बियॉन्ड दैट मेरा एक बेसिक फ्रेमवर्क होता था नोट्स प्रिपेयर करने का एथिक्स के। फॉर इंस्टेंस अगर कोई टॉपिक है लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, देन आई यूज टू प्रिपेयर 1 or 2 पेजेस नोट्स ऑन दैट कीवर्ड, जैसे कि फर्स्टली यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दैट गिवन कॉन्सेप्ट, फॉर इंस्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, देन यू कैन इनकॉर्पोरेट सर्टन एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कोई एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, या कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल या प्रेजेंट डे इवेंट भी हो सकता है। एंड देन जब आपने ये दो कंपोनेंट्स ऐड कर लिए अपने टॉपिक में, देन आप एक थर्ड कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ दैट गिवन टॉपिक
टू सिविल सर्विसेज. फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स. तो ऐसे करके आप, देर आर 6 to 7 टॉपिक्स इन एथिक्स लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एंड एटीट्यूड्स. तो आप ये जो 5 to 6 मेजर टॉपिक्स हैं, इन सब के आप नोट्स अपने प्रिपेयर करेंगे. आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट सोर्स फॉर योर एथिक्स प्रेप. एंड ये थे GS के आई थिंक पेपर वाइज सोर्सेज. इन एडिशन मैंने बहुत ही लिमिटेड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रेफर किए थे. वन वॉज द एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट समरी ऑफ सेकेंड ARC, एंड सेकेंड वॉज नीति आयोग्स बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट. एंड आई थिंक बियॉन्ड दैट मैंने कोई एक्स्ट्रा सोर्स रेफर नहीं किया था. एंड येस, अबाउट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए बोथ फॉर प्री एंड मेंस आई डिडंट प्रिपेयर एनी नोट्स. मैंने काफ़ी ट्राई किया नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, आई थिंक प्रॉबेबली 3 to 4 टाइम्स, एंड आई फेल्ड एट ऑल दोज अटेम्प्ट्स. क्योंकि इशू ये होता था कि इफ़ आई एंड अप प्रिपेयरिंग नोट्स, तो फिर या वो रिवाइज नहीं होंगे, या अगर वो रिवाइज हो भी गए तो जो नेक्स्ट मंथली मैगजीन आएगी, ऑल द सेम पोर्शंस विल रिपीट. तो मेरा एफर्ट रिडंडेंट हो जाता था. सो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मेरा ये सजेशन है कि आपकी कॉल है, अगर आपको करने हैं इट्स गुड इनफ एंड यू शुड गो ऑन विद दैट एफर्ट. बट आप ये इंश्योर कीजिए कि जो आप पॉइंट्स लिखेंगे वो आपके आंसर्स को वैल्यू ऐड करें एंड दे आर यूनिक, और आपका एफर्ट ना वेस्ट हो. सो मेरे करंट अफेयर्स के सोर्सेज यही थे कि आई यूज़ टू रीड द न्यूज़पेपर थरोली. अगर मुझे कोई एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पॉइंट आता है, फॉर इंस्टेंस स्पेशली फॉर IR, देन आई यूज़ टू जॉट इट डाउन. बट बियॉन्ड दैट मेरा मेन सोर्स विजन मंथली मैगजीन्स ही था, दैट्स इट. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दी सोर्सेज, मेंस की प्रेपरेशन में सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आंसर राइटिंग. एस्पिरेंट्स के में बहुत कम्युनिटी में बहुत एक डिबेटेड क्वेश्चन है कि हमें आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए, वेदर इट शुड बी आफ्टर प्री और प्रॉबेबली व्हेन यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो आई थिंक जो सबसे आइडियल टाइम होता है वो तो डेफिनेटली प्री के बाद ही होगा. बट इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम बचता है और आपने सफिशेंट बुक्स भी अपनी ख़त्म कर ली, स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म कर ली, यू आर ऑलमोस्ट कंफर्टेबल विद करंट सेक्शन, तो आप प्री से पहले आप थोड़े बहुत आंसर्स लिखने स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ हेड स्टार्ट. एंड देन जो टाइम कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप टेस्ट लिखेंगे, दैट विल हैपन आफ्टर प्री. इनिशियली आपको आंसर्स लिखने में काफ़ी परेशानी होगी. एवरी एस्पिरेंट सेज कि हमें 4 घंटे लिखते थे एक 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए. सेम केस विद मी एज़ वेल. इनिशियली विजन के मैं जब मेन टेस्ट सीरीज देती थी, आई यूज़ टू स्कोर जस्ट 50 and 60 मार्क्स. सो इन ये जो डिफ़िकल्टीज है ऑफ लेस मार्क्स या पेपर छूटना, ये सबके लिए कॉमन है. इट इज़ ओनली व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और आप बहुत सारे टेस्ट लिखेंगे एंड यू कंटिन्यू टू स्ट्रगल, फाइनली जब आप मेंस का टाइम आएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट योर आंसर्स विद गुड क्वालिटी इन दैट टाइम टेस्टेड एनवायरनमेंट. एंड आंसर राइटिंग के लिए आई हैड अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में मेरा मोटिव होता था कुछ सब्जेक्ट वाइज इंट्रोडक्शन रखी जाएँ, जैसे आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के लिए, या कोई इम्पॉर्टेंट रैंकिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, और कोई इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक लाइक 90% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. मतलब ऐसे टाइप के फैक्ट्स एंड फिगर्स या मैं अपने इंट्रोडक्शंस में डालती थी. या आई थिंक द बेस्ट अप्रोच फॉर इंट्रोडक्शंस इज़ बाय यूजिंग डेफिनेशंस. अगर आप डेफिनेशनल अप्रोच से शुरू करेंगे अपना आंसर, तो ये आपकी सिंप्लिसिटी भी दिखाएगा एंड इट विल ऐड टू द फ्लो ऑफ योर आंसर. अब इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट वी हैव बॉडी ऑफ द आंसर. अब हर जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें आई थिंक 2 to 3 पार्ट्स को हमें कैटर करना होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये पार्ट्स होते हैं ये डील करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को पे एंड उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पे, एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड लास्टली फॉर द मेजर्स रिक्वायर्ड. तो आप जो आप अपनी प्रेप है वो भी इन 4 कंपोनेंट्स को ही अकाउंट में लेके रखिए. एंड लास्टली आता है कंक्लूजन.
कंक्लूजन आपके आंसर को समअप करना चाहिए। अगर आप मेरी आंसर शीट्स देखेंगे तो फिर यू विल फाइंड आउट दैट बहुत सारे आंसर्स में, फॉर इंस्टेंस स्पेशली इन GS2 एंड GS3, मैं SDGs को काफ़ी कोट करती थी। आपको 17 के 17 याद नहीं करने हैं, अगर आप मेजर 1, 2, 3, 4, 5 वाले याद कर लेंगे आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। आफ्टर आंसर राइटिंग आई थिंक नेक्स्ट थिंग टू फोकस अपॉन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। मैंने इस बार 2 टेस्ट सीरीज दी थी GS की, वन वॉज विजन एंड द सेकेंड वॉज अ फोरम IS। बियॉन्ड दैट मैंने GS कोर के SA के टेस्ट भी दिए थे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जाके टेस्ट दें, लेकिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट टेस्ट लिखें या कहीं और पे या आप एटलीस्ट अपने घर पे, क्योंकि राइटिंग टेस्ट एक इट्स जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लर्निंग फॉर अपनी मेंस की प्रेपरेशन के लिए। क्योंकि राइटिंग 20 क्वेश्चंस इन 3 hours ऑन दी डी डे अलॉन्ग विद रिपीटिंग दैट साइकिल ओवर आई थिंक 7 times, ये काफ़ी एक टायरिंग प्रोसेस होता है। एंड इसका स्टैमिना बनाने के लिए आई थिंक आपको टेस्ट लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। एंड टेस्ट का पर्पस इज़ नॉट जस्ट टू मूव योर हैंड। मेन जब हम अपने सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि अलॉन्ग विद राइटिंग यू आर एक्चुअली कलेक्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम 10 डिफरेंट सोर्सेज इन योर माइंड। आप अपने आंसर को एक इंटीग्रेटेड शेप दे रहे हैं एंड देन उसे फाइनली जॉट डाउन कर रहे हैं। तो ये एक माइंड की एक्सरसाइज भी है एंड टू ट्रेन योर माइंड कि आप वो एक टाइम टेस्टेड और एक प्रेशराइज इन्वायरमेंट में आंसर एक गुड क्वालिटी का लिख सके, तो उसके लिए टाइम टेस्टेड इन्वायरमेंट में टेस्ट सीरीज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंस में, दैट इज़ ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी लास्ट डेज में रिविजन के लिए। मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये थी दैट मेरी लास्ट मिनट जो रिविजन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज थी और हॉचपॉच हुई थी, क्योंकि मेरे जो सारे सोर्सेज थे, जो सारा मटेरियल था, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 डिफरेंट प्लेसेस एंड लास्ट में टू स्टडी ऑल ऑफ देम बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर नोट्स फॉर मेंस इज़ दैट आप अपने वन पेज समरीज बनाइए हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक पे, क्योंकि अगर आप ऐसी समरी बनाएंगे एट दी एंड जब आपके आई थिंक 10-15 days बचेंगे मेंस में, आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कर पाएंगे और आपकी जो रिविजन प्लान होगा वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। एंड लास्टली मेरा फेज 3 होगा रिविजन का, जो लास्ट 10-15 days में कवर होगा। सो मेन जो है क्रक्स इस प्लान का यही है कि आपको रिविजन करनी मेंस में बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फाइनली आपको आंसर रिप्रोड्यूस करना है। एंड एट दी एंड ऑफ द डे अगर आपने 10 डिफरेंट सोर्सेज पढ़ लिए एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट दी आंसर ऑन दी डी डे, देन आई थिंक पढ़ना द इंटायर प्रोसेस, इतनी मेहनत करना इज़ कम्प्लीटली, इट बिकम्स वर्थलेस। सो रिविजन एट दी एंड ऑफ द डे इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ मेन्स प्रेपरेशन। एट दी एंड मैं ये बोलूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग UPSC प्रेपरेशन की एक फ़िलोसफी है, विच आई वॉज थिंकिंग कैन बी सेड एज प्रोबेबली दी 5P फिलोसफी। इट इंक्लूड्स आई थिंक पेशेंस, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस, प्रेशर एंड परफेक्शन। पेशेंस एज इन कि ये एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी जर्नी है, आपको एग्ज़ाम देने में ही पूरा एक साल लग जाता है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट भी हो, यू वुड बी प्रोबेबली प्रिपेयरिंग अ फ्यू मंथ्स बिफोर दैट। एंड ये एक काफ़ी डेडिकेटेड प्रेप होती है, जिसमें प्रॉबेबली आपके लिए बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम डाइवोट आप उतना नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको बहुत सारी पेशेंस चाहिए होगी। एंड फॉर दैट पेशेंस यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोटिवेशन। दैट मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक योर सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडिंग पेरेंट्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, लेकिन आई बिलीव दैट जो आपकी मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, इट कम्स फ्रॉम विद इन। इफ़ यू आर पैशनेट एंड इफ़ यू हैव दी ड्राइव कि आपको ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है, एट दी एंड ऑफ द डे प्रॉबेबली नो वन कैन एवर स्टॉप यू। देन पेशेंस के बाद नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस।
इस एग्ज़ाम के लिए जो सारे सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, एवरीवन स्टडी फॉर दिस एग्ज़ाम सीरियसली इन इक्वल अमाउंट्स, बट मैनी से दैट कोई कम पढ़ के भी रैंक ले आते हैं एंड देर आर सम जो ज़्यादा पढ़ के भी दे स्ट्रगल फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो सारी बात आती है वो हमारी फाइनल डे की परफॉर्मेंस पे ही आती है. अगर आप उस दिन अच्छी तरह अपने आंसर्स को लिख पाते हैं, यू गिव अ गुड परफॉर्मेंस, दैन तभी आपका सिलेक्शन होगा एंड दैट परफॉर्मेंस डिसाइड होती है आपकी प्रैक्टिस पर. भले आपके सोर्सेज किसी और एस्पिरेंट से दो सोर्सेज कम होंगे, बट इफ़ यू हैव प्रैक्टिस दोज लिमिटेड सोर्सेज वेरी वेरी थरली, तो अगर आप किसी भी प्रेशराइज कंडीशन में होंगे, कितने भी प्रेशर में होंगे, यू विल गिव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. एंड लास्ट पी बीइंग परफेक्शन, आई वुड से दिस इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ UPSC प्रेप, दैट इज़ परफेक्शन. क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में कोई PhD या एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है. ये एक बहुत ही जनरलाइज एग्ज़ाम है एंड द मेन एंड द इजिएस्ट वे टू क्रैक इट इज़ दैट आप हर एक पोर्शन को, इसमें 10 डिफरेंट पोर्शंस हैं, हर डिफरेंट पोर्शन को एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेप और इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन दे. अगर आप किसी एक पोर्शन को ज़्यादा पढ़ के, फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ के पॉलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसमें यू विल बी स्ट्रगलिंग. सो मेरा ये सजेशन है कि आप जो भी सारे आपके डिफरेंट 10-20 सब्जेक्ट्स हैं उनकी इक्वल प्रेपरेशन कीजिए, उन्हें सफिशेंट टाइम डिवोट कीजिए एंड अचीविंग परफेक्शन और बिल्कुल ही एरर फ्री और बिल्कुल ही एक परफेक्ट प्रेपरेशन इस एग्ज़ाम में नहीं हो सकती है. अगर आप फेयर इनफ प्रेपरेशन या मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट के, देन आई थिंक आपका जो फाइनल स्कोर आएगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा. बट बस आपका ये एक मोटिव होना चाहिए कि जब भी आप कोई पेपर लिखेंगे, यू शुड नॉट बी एट द बॉटम ऑफ द स्टैक इन दैट पेपर. आपका पर्पस होना चाहिए आप हर पेपर में एक डिसेंट स्कोर लाएंगे, देन इवेंचुअली आप ऑटोमेटिकली टॉप ऑफ द लिस्ट पे आएंगे. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.